देशहित में आज के पांच बड़े सवाल। राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में आरोप लगाया है कि देश की संस्थाओं पर कब्जे का आरएसएस का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब बड़ा सवाल देशहित में आज ये कि राहुल को क्या मोदी की जीत बर्दाश्त नहीं है। दरअसल स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुआ, सबने देखा, मैंडेट सबने देखा, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए संस्थाओं का तटस्थ होना जरूरी है। तो राहुल गांधी ऐतिहासिक हार पर भी जनादेश परिवार कर रहे हैं क्या? और वही मंदिर हमला मामले में भीड़ में केजरीवाल के मंत्री नजर आए हैं और कांग्रेस नेता की ओर से भड़काने वाला ट्वीट भी जारी किया गया है। चुनाव बहुत ही नजदीक है दिल्ली में, तो क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? तो बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली में सांप्रदायिक साजिश के प्रायोजक कौन है। वही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का 9 महीनों में ये दूसरी बार का इंग्लैंड दौरा सामने आया। एक बार पहले भी मैच में देखे गए थे। सवाल अब ये उठता है दूसरी बार के दौरे से कि पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट की तैयारी हो रही है क्या? और वहीं चंद्रयान 2 का लॉन्च लाइव देखने के लिए रात 12 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 2029 के वैज्ञानिकों के लिए क्या इसरो ने तैयारी शुरू की है? तो यही पांच सवाल होंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा आज का हमारा देश। देशहित में आज सबसे पहले दो कवर स्टोरी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की दो सबसे बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। इन दोनों बड़ी खबरों का सरोकार आपसे है, हमसे है, इस देश की करोड़ों जनता से है। मतलब आप इन दो खबरों से सीधे तौर पर जुड़े हो और आपके लिए ये जानना और समझना आज बहुत ही जरूरी है। कुछ ही सेकंड में देशहित की शुरुआत में आपको हम दिखाएंगे द ग्रेट इंडियन कांग्रेस ड्रामा और उसके बाद 8:25 पर दिखाएंगे देशहित की अगली कवर स्टोरी, जिसमें आज की दूसरी बड़ी खबर है पड़ोसी पाकिस्तान से जहां तख्ता पलट होने की आशंका बताई जा रही है। तो इन दो बड़ी खबरों के साथ आपको इसका देशहित मतलब भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने आज औपचारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया है फॉर्मल तरीके से कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष अब नहीं हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर यह ऐलान करते हुए पीएम मोदी, चुनाव आयोग, यहां तक कि मतदाता के बारे में भी कई बातें कही। राहुल गांधी ने 4 पन्नों की चिट्ठी में क्या लिखा है, कैसे उन्हें जनादेश और देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान उन्होंने किया है, देशहित में आपको तफ्तीश से बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप 30 सेकंड में पूरी खबर समझिए। देखिए, राहुल गांधी ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। चिट्ठी में राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए। प्रेस, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, राहुल गांधी ने यह नसीहत दे दी। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष के लिए मोतीलाल वोरा के नाम की चर्चा हो रही है। गांधी परिवार के पुराने वफादार हैं मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा यानी कि कुल मिलाकर के इस्तीफा तो 25 तारीख को दे दिया था, अब लगभग 30 दिन से ऊपर यह ड्रामा चला। राहुल गांधी माने नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि क्या अब कोई नॉन गांधी सामने आएगा, क्या कोई युवा सामने आएगा, लेकिन फिलहाल चर्चा हो रही है मोतीलाल वोरा, उम्र है 90 साल। तेईस मई को चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे का आज क्लाइमेक्स था। राहुल ने आज ट्विटर के जरिए ये औपचारिक ऐलान कर दिया कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने 6 पन्नों की चिट्ठी जारी की, उसके जरिए राहुल गांधी ने न सिर्फ जनादेश का अपमान किया बल्कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भी सवालों के घेरे में खड़े करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संस्थाओं का तटस्थ होना जरूरी है। उन्होंने ये भी लिखा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। राहुल के मुताबिक सरकारी संस्थाओं को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और 2019 के चुनावों में कांग्रेस की लड़ाई सभी सरकारी संस्थाओं से थी और ये साफ हो गया कि संस्थाओं की निष्पक्षता अब खत्म हो गई है। अपने इस्तीफे में जो उन्होंने बात लिखी है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आइडिया ऑफ कांग्रेस उसको तो नकार दिया है बिल्कुल देश ने। आइडिया ऑफ कांग्रेस सीधे करप्शन से जुड़ता था, परिवारवाद से जुड़ता था, लोगों के अधिकार छीनकर अनअकाउंटेबिलिटी से जुड़ जाता था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल ने इस्तीफे वाली चिट्ठी में आरएसएस के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि देश की संस्थाओं पर कब्जे का आरएसएस का उद्देश्य अब पूरा हो गया है। सत्ता पर कब्जे से हिंसा और तनाव अकल्पनीय तरीके से बढ़ेगा।
तो उनका अधिकार है कि वो अध्यक्ष बनना चाहते नहीं बनना चाहते, ये उनको चुनना है। नेहरू गांधी परिवार से कोई बनेगा कोई और बनेगा उनको देखना, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना तो है नहीं। मुबारक हो कि इसने जो फैसला किया था उस पर अटल रहा। मैं ये नहीं कह सकता कि हार नहीं किया है, मगर वो चाहता कि पार्टी किसी तरह से बन सके और हो सकता वो पार्टी बनाने के लिए अब काम करे। लोकसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद एक महीने से ज्यादा वक्त तक चले राहुल गांधी के इस्तीफे के ड्रामे का आज फुल स्टॉप जरूर हो गया, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ते छोड़ते राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े किए हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।